18 जनवरी को मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिली थी कि सारी भोजनालय जो दादराव की जो अपोजिट स्थित है वहाँ पे विस्फोट हुआ है। जब पुलिस वहाँ पहुंची और प्राइमरी पूछताछ वहाँ पे हुई तो ये पता चला कि राजवीर चौधरी नाम के व्यक्ति जो वापी के रहने वाले हैं, उनका ऑक्यूपेशन ट्रांसपोर्टर है वापी में ही, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है स्टैब इंजरी से। तो पुलिस ने उसके बाद डीवी एफ आई आर रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 392 एंड 302 ऑफ IPC। उसके बाद इस क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए हमारे प्रदेश की DIGP इनके मार्गदर्शन में चार टीमों का तुरंत गठन किया गया जिनका नेतृत्व SDPO मनुष्य जय, SHO सिलवासा पुलिस स्टेशन सेबेस्टियन, OP दादरा तैयार और सब इंस्पेक्टर लोहिया, इनके अलावा अलग अलग टास्क दिए गए मोबाइल सर्वेलेंस फुटेज एरिया की पूरी सर्च करना और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर का और लगभग दो दिन के प्रयास के बाद आज हमने एक अक्यूज इन सारे सबूतों को देखते हुए CCTV फुटेज मोबाइल ट्रैकिंग इस सब के आधार पर एक अक्यूज हमने आज पकड़ा है जिसका नाम रोहन दिलीप पटेल जो दादरा का रहने वाला है और ये कबूल भी किया है और सारे अवेलेबल सबूतों से वो कॉरपोरेट भी हो रहा है। उसको आज हमने पकड़ा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस अंडर प्रोसेस। सर उसने क्या कहा मर्डर करने का? अभी जो राजवीर चौधरी है उनके बस पूरा पर्स, उनका मोबाइल और उनके बॉडी पे से और गोल्ड चेन सारा वहाँ से निकाल लिया गया था और ये पेश कर रहे हैं। लूटपाट का मोटिव अभी तक सामने आया बट स्टिल वी आर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी अदर एंगल। सर ये रोहन है उसका कुछ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका कुछ? नहीं अभी तक इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। चाकू उसने मोस्टली यूज़ किया होगा जिस तरह की साइज की जो इंजरी लग रही है तो मोस्टली नाइफ उसने यूज किया। सर मर्डर वेपन मिल गया? अभी तक नहीं मिला है, अभी हम उसकी सर्च कर रहे हैं। जो एप्पल बार है वहाँ पे उन दोनों ने मिलकर बियर खरीदी है और वो एक जगह से जाते हुए दिख रहे हैं और जो स्थानीय भोजनालय है वहाँ से भी वो दोनों एंटर करते हुए दिख रहे हैं और वहीं पे साई भोजनालय के ऊपर वाले एक रूम पे उन्होंने बैठ के दारू पी और वहीं फिर राजवीर का डेथ हुआ है। तो उनके साथ जो एक्यूज है और जो जिसका मर्डर हुआ है उनके साथ क्या किसी तरह का रिलेशनशिप है या उनको एक दूसरे के वो एक साल से एक दूसरे को जानते भी है बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैड ये अभी का पता नहीं। सर ऊपर रूम था गेस्ट हाउस था क्या था वो मतलब? वहाँ पे कोई रजिस्टर ऐसा गेस्ट हाउस तो है नहीं बट एक स्टोर रूम टाइप बना हुआ है उसमें वो लोगों ने बियर वगैरह दी है। सर इसमें दो चीज़ें की एक क्रिमिनल हिस्ट्री और क्रिमिनल क्राइम मोटिव। तो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज पकड़ा गया है क्या उन्होंने प्राइमरी चीज नहीं बताया हमने इसके लिए मर्डर किया? ये तो फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन That is still part of investigation. Everything cannot be disclosed here. That's still part of investigation. इसने सारा पैसा, रिंग, गोल्ड, चेन वगैरह लेके वहाँ से भागा है। Primary motive यही लग रहा है। We are looking into other angles also, but we haven't come to conclusion as yet. So we are not saying any medical examination कर रहे हैं। तो वो भी अंदर हम उसको अभी चेक कर रहे हैं कि क्यों उसके कपड़े निकले हुए थे, क्या exactly मैटर था उसके रिगार्डिंग हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सभी लोगों से इसमें जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व है सभी से पूछताछ कर रहे हैं, सभी से कुछ ना कुछ निकल के आएगा बट व्हाट वी हैव कम सो फार दैट आई हैव पुट इट फॉर यू।
आए हैं कोई आतंकी, अभी इसमें उनके साथ कुछ था ये चेक कर पाना मुश्किल है, नहीं था ये भी कर पाना मुश्किल, पर जितना सीसीटीवी फुटेज हमने देखा हुआ है वो डिजीज और ये एक्यूज दोनों ही साथ में जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं वो भी एंगल कि अगर उसके साथ कोई था पहले किसी ने जान पहचान करवाई होगी तो वो भी एंगल हम देख रहे हैं।